भारतीय सेना में नायब सूबेदार के पद पर कार्यरत भाई सुमेर सिंह बगड़िया कल माँ भारती को सेवा में अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं। उनकी पार्थिव देह कल प्रातः 8 बजे गुढ़ागौड़ जी पहुँचेगी। समस्त नौजवान साथी हम लोग मिलकर प्रातः 8 बजे चमरा मोड़ से ऐतिहासिक बाइक रैली और तिरंगा रैली के साथ उनकी पार्थिव देह को उनके पैतृक घर तक लेकर जाएंगे। बहुत ही दुख का विषय है कि आज एक फिर किसान का बेटा माँ भारती की सेवा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे चुका, पर हमें गर्व भी है कि सैनिकों का इस ज़िले में फिर एक वीर ने, फिर एक किसान के बेटे ने इन सेनानियों में और शहीदों में अपना नाम लिखवा दिया है। मैं समस्त जनता से और समस्त नौजवान साथियों से आह्वान करता हूँ कि कल प्रातः 8 बजे अधिक से अधिक संख्या में तिरंगा रैली में और बाइक रैली में शामिल होकर शहीद के का सम्मान बढ़ाएं। एक चीज़ को जवाब दो कि थाने लागे कि सम्मान जो को है वो जब कोई फौजी शहीद हो जाए है बहुत बड़ी बात है, सम्मान करना कितनों के जरूरी हो जाए। देखिए, एक शहीद के सम्मान के से बड़ा तो कोई सम्मान होता नहीं। एक माँ ने अपना लाल खो दिया, एक पत्नी ने अपने मांग का सिंदूर उजाड़ दिया, एक बहन ने अपना भाई खो दिया, छोटे छोटे बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया, ये जनता तो मात्र एक सम्मान ही उनको दे सकती है। और ये सम्मान देकर हम तो वैसे तो लोग अपने सिर्फ इस बात से तीसरी पूरी कर लेते हैं, पर वर्तमान में सरकार केंद्र की हो चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र से की सरकार पिछले काफ़ी दिन से कारगिल युद्ध के बाद ये सम्मान देकर शहीदों का नाम स्मृत कर दिया, वरना तो पूर्व में ये सम्मान तो छोड़ो, ये भी पता नहीं चलता था कौन व्यक्ति कब माँ भारती के नाम न्यौछावर हो गया। पर अब कम से कम ये तो पता चलता है कि एक किसान का बेटा, एक आम आदमी का बेटा माँ भारती पे शहीद होकर अपना नाम चिरस्थायी कर गया और उसकी यादें शेष रह जाती हैं, हम सब लोग उनको याद करते हैं, तो ये सम्मान ही दिया जा सकता है और इसके लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। एक चीज़ को मैं जवाब है दोगी, एक बार जब कोई फौजी शहीद हुआ है सम्मान थे कह रहे हो कि बिल्कुल मन मिला है, पूरा प्रशासन बड़े पूंजे जितना भी आप मंत्री नेता सब पूंजे ही, थाने क्या लगा कि सिर्फ एक बार एक सम्मान मिला बीके बाद में जो भी कोई परिवार ने बुला दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो जब जब भी उनकी प्रतिमा के सामने जाता हूँ हमेशा लोगों से कहता हूँ कि एक शहीद की मूर्ति नहीं है, एक मंदिर है, हमेशा इसमें नमन करना चाहिए। और कोशिश करता हूँ जिन जिन की मेरे पास डेट ऑफ बर्थ या उनकी पुण्यतिथि हैं वहाँ जाने की कोशिश करता हूँ। इस क्षेत्र में तो मैं आपको बता दूँ परिवार भी और गांव के लोग भी उनकी पुण्यतिथि पर दीपक जलाते हैं, बच्चे नमन करते हैं और गांव के लोग भी। व्यक्ति विशेष की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे खंडो मतलब ये है कि बाद में आप देखा कि जो को फौजी है जो को शहीद अभी को पिताजी धक्का खा रहे हैं ऑफिसा के अंदर, लेकिन बड़ी सुनवाई को नहीं हुआ, तो प्रशासन एक बार तो खूब राजी हो जाए कि फौजिया की नगरी है, शहीदा की नगरी है, बहुत सम्मान से आप बात करें कि एकदम भरे हो जाए झुंझुनू के बारे में, लेकिन बाद में वो जो को परिवार है वो परेशान होते रहे। बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जब जब भी इस बात का पता चलता है इस उनकी मदद करने की कोशिश खुद भी करते हैं, और आजकल तो सैनिकों ने एक अपनी समिति बनाई हुई है, वो समिति पूरा उन परिवारों का ख्याल रखती है और उनके कागजों से संबंधित, या जिस प्रकार आप कहते हैं उनके पिताजी धक्का खाते हैं वैसी स्थिति कहीं आते हैं तो वो उनकी पूरी मदद करते हैं और सब लोग उनके लिए तैयार हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रशासन को ऐसी गलती करता भी है तो उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, और आगे भी आपके ध्यान में कोई ऐसी बात आती है तो बताना, हम उनके लिए पूरी मदद करेंगे। कठे पोस्टिंग है जो आज सही बबीना उत्तर प्रदेश में। अच्छा, और ये गाँव कौन सा? गुढ़ागौड़ जी, प्रॉपर गुढ़ागौड़ जी, गुढ़ा बावनी में प्रॉपर है, बगड़ियों की डाणी।